नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, जबकि 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने के मुताबिक अगले 24 घंटे में देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश के साथ ही बिजली गिरने और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। या बहुत हल्की बारिश है या रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है, तो वो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर या रुद्रप्रयाग, और इसके साथ ही जैसे देहरादून, टेहरी का भी जो पहाड़ी इलाका है, तो उसमें जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही हरिद्वार या पौड़ी की भी बात करें तो वहां भी छुटपुट संभावना है कि एकाधुका जगह में वहां पर भी बारिश की मिल जानी चाहिए। इसके साथ ही कल देखेंगे तो जो एक्टिविटी वो थोड़ा बढ़ेगी। हाँ सर, क्योंकि आखिरकार तो आना नदी में है। हाँ ठीक है, मतलब आपको रिड्यूस करना चीजें तो वो सॉल्यूशन है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पहले से ही डॉक्टरों की भारी कमी है। ऐसे में यहां के डॉक्टरों को तैनात करने के बजाय सरकार ने मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल में तैनात 12 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का एक साथ पिथौरागढ़ ट्रांसफर कर दिया है, जिससे ट्रांसफर हुए डॉक्टर कार्य बहिष्कार कर चले गए हैं। डॉक्टरों का आरोप है कि पूर्व में बॉन्ड के तहत उन्होंने एक साल की सेवा मेडिकल कॉलेज में दी है, इसके बाद दोबारा रिन्यूअल के आदेश शासन द्वारा दिए गए। इस साल के बॉन्ड के तहत उनकी 5 माह की सेवा अभी बाकी है, लेकिन पूर्व में आदेश को दरकिनार कर अब ट्रांसफर का नया आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि बॉन्ड चिकित्सकों के ट्रांसफर के बाद मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेस अस्पताल में एकमात्र रेडियो डायग्नोसिस डॉक्टर विनीता आर्या का भी ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड ठप पड़ा है और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आश्वासन दिया कि आपकी जो अगली एक साल की सेवाएं वो भी यहीं मेडिकल कॉलेज पे ही निरंतर की जाएंगी। इस बारे में नवंबर में 3 महीने बाद, हमारी एक साल की टेन्योर कंप्लीट करने के 3 महीने बाद 11 नवंबर को आदेश आता है शासन से कि आपकी एक साल की सेवाएं यहीं पर निरंतर की जा रही हैं। अब सर, जैसे उस आदेश को 4 महीने बीत चुके हैं और हमारे बॉन्ड अवधि पूरे होने में केवल 5 महीने बाकी रहे हैं, इस 5 महीने के टाइम पे इन्होंने हमें आदेश निकाला है, रातों रात आदेश निकाला कि आपको पिथौरागढ़ चिकित्सा अधिकारी के अधीन किया जा रहा है, जो कि हमारे साथ किया गए आश्वासन के बिल्कुल विपरीत है। अल्मोड़ा की नवनियुक्त एसएसपी रचिता जुयाल ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान प्रेस वार्ता में नवनियुक्त एसएसपी रचिता जुयाल ने कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने, क्राइम पर कंट्रोल और तेजी से फैल रहे नशे के कारोबार को रोकना उनकी प्राथमिकता रहेगी, साथ ही महिला अपराधों की रोकथाम के लिए भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक थाने में हेल्प डेस्क के माध्यम से जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी, साथ ही उनके निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। एसएसपी जुयाल ने कहा कि अल्मोड़ा शहर में ट्रैफिक को लेकर कुछ समस्याएं उनके संज्ञान में आई हैं, इसके लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस विभाग की प्राथमिकता रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस रहे, क्राइम का प्रिवेंशन और उसका सही तरीके से सही समय पर डिटेक्शन, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई इश्यूज हैं जिस पे मैं हमेशा से फोकस करती आई हूँ, जैसे महिला सुरक्षा और उनके लिए मोबाइल चीता का गठन करना। उसके अलावा जो भी एनडीपीएस से रिलेटेड कार्रवाई है उसको सख्त से सख्त तरीके से कराई जाए, जिससे कॉलेजेस और स्कूल के जो बच्चे हैं वो इसकी चपेट में ना आए। तो इसके लिए अभियान अलग से मैं चलाऊंगी और इस पर पूरी जो है प्राथमिकता दी जाएगी इसको। आगामी 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के भरारी शहर में आयोजित होगा। इस सत्र को लेकर एक तरफ सरकार की ओर से अपनी तैयारियां जारी हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि हालांकि सत्र का समय काफी कम रखा गया है, लेकिन इस बीच हम मुस्तैदी से सभी मुद्दों को सदन के अंदर उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में पार्टी की रणनीति तय की जाएगी। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र जो है सरकार ने आहूत किया है, बजट सत्र है, लेकिन बजट सत्र की जो अवधि है उस अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जो विषय है उनको सदन के अंदर उठा करके सरकार को घेरने का काम करें। तो भाई साहब कौन जीत रहा आपका 12 प्रतिशत में कहना, मैं तो मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को सीधे जनता से कनेक्ट होने के लिए चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहले भी बीजेपी के सांसदों ने गांव गोद लिए थे, लेकिन उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कंप्लीट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। पहले इन्होंने एमपीस को कुछ विधानसभाएं और कुछ गांव दिए थे, क्या वो उनका? आज तक उस पर कभी दोबारा चर्चा नहीं होती। अब ये कह रहे चौपाले लगाओ, ये काम तो वैसे भी विधायक और मंत्रियों का है, उनको पब्लिक से मिलना चाहिए, चौपाले लगाने चाहिए, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें आदेश करने की कहां से बात आ गई? और आदेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके मंत्री और विधायक लोग कुछ कर नहीं रहे। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो करें, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि तुम ऐसा करो तो निश्चित ही ये निंदा का विषय है। देहरादून में प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि उत्तराखंड को एक बार फिर केंद्र से बड़ी सहायता मिलने जा रही है। दरअसल पीएम श्री योजना में प्रदेश के 232 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय चयनित हुए हैं, जिसके अंतर्गत चयनित विद्यालयों को खेल के मैदान, स्मार्ट क्लास, फर्नीचर जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए 300 से 400 करोड़ रुपए तक की धनराशि मिलेगी। केंद्र ने इस योजना में उन्हीं राज्य के विद्यालयों को चयनित किया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित मांगों की पूर्ति करते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार से क्या लाभ होते हैं, डबल इंजन सरकार के जो लाभ मिल रहे हैं वो अब धरातल में उतर रहे हैं। उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 232 विद्यालयों को इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है और इसमें करीब हमारे प्रदेश को 300 से 400 करोड़ रुपए, विद्यालयों के स्मार्ट क्लासेस हुई, खेल
खेल के मैदान के लिए हुई और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। एक मार्च से तीर्थनगरी ऋषिकेश में योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। यह महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसको लेकर प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि योग साधकों के लिए 7 दिन की दिनचर्या तय रहेगी, साथ ही अलग अलग विषयों पर साधकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा रोज सुबह योग सत्र का भी आयोजन होगा, वहीं ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। कल से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन 1 मार्च से 7 मार्च तक जो है ऋषिकेश स्थित गंगा रिसॉर्ट्स में जो है मनाया जाएगा। ये 7 दिन का जो आयोजन है, इसमें योग कार्यशालाएं लगाई जाएंगी और इसमें स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। इसमें अनेक परिचर्चाएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके अंदर जो हमारा उत्तराखंड का जो भोजन है वो भी परोसा जाएगा, जिससे लोग हमारे भोजन का स्वाद ले सकें। दिनेशपुर के सत्संग मंदिर के आचार्य देव के भाई बिंकी चक्रवर्ती दिनेशपुर पहुंचे, जहां उनके स्वागत पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे के साथ ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अनुयायी मौजूद रहे। इस दौरान बिंकी चक्रवर्ती ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर चलना है, तभी जाकर शांति मिलेगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि हमारे क्षेत्र में ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वंशज बिंकी चक्रवर्ती जी के पधारने पर हमें सत्संग करने का मौका मिला है। आप सभी को सादर जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। आज केंद्रीय सत्संग बिहार से श्री ठाकुर जी के परपुत्र श्री श्री बिंकीदा का शुभ आगमन दिनेशपुर में हुआ है। उनके इस शुभ आगमन पर हम दिनेशपुर वासी धन्य हैं उनके दर्शनों के लिए, जिनके दर्शनों के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचते हैं। आज वो स्वयं दिनेशपुर हमारे सत्संग बिहार में उपस्थित हुए हैं। आज इस सत्संग भवन में पधारे, मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपके स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूँ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के परपौत्र यहाँ प्रस्तुत हुए और सीधा सीधा आज जनता के बीच में मुझे उनके दर्शन प्राप्त हुए और जिन शब्दों से उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे लिए जीवन का एक बहुत बड़ा अविस्मरणीय क्षण है ये। रामनगर में होने वाले G20 कार्यक्रम को लेकर मुख्य सचिव एसएस संधु ने अधिकारियों के साथ बाजपुर के नैनीताल दोहारा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। वहीं बाजपुर तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
आपको बता दें कि मार्च में रामनगर में G20 कार्यक्रम को लेकर प्रदेश सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रयास कर रही है। इसी के चलते पंतनगर से रामनगर तक सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षण का दौर चल रहा है। जैसा कि विदित है आप कि जो रामनगर में हमारी G20 समिट होने वाली है उसके तहत जो रूट तय हुआ है वो रुद्रपुर से बाजपुर होते हुए रामनगर तक का रूट है, तो उसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में आज जो हमारा हाईवे का एरिया, स्टेट हाईवे का जो भी एरिया है लगा हुआ, तो उसकी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद और दुरुस्त करने हेतु जितने भी अनऑथोराइज जितने भी होल्डिंग्स हैं या कोई अतिक्रमण है उसको हटाने का अभियान आज पुलिस और नगर पालिका की टीम के साथ किया जा रहा है। उत्तरकाशी के ग्राम पंचायत कालसा में सोमेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 59.75 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद के नगर पंचायत पुरोला क्षेत्रांतर्गत वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए 58.78 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री की ओर से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के लिंगू रानी से रालम ट्रैक रूट एवं रालम से रालम ग्लेशियर ट्रैक रूट के निर्माण के लिए 40.1 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के ग्राम वैदा में निकास नाली के निर्माण के लिए 34.73 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। नकल विरोधी कानून को लेकर कल हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा एक बड़ी आभार रैली करने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार किया जाएगा। और साथ ही आभार रैली की जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में 10,000 युवा कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताएंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड देश के में पहला ऐसा प्रदेश है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। युवाओं के भविष्य को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कानून बनाया है, लिहाजा युवा उनका आभार करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इसलिए कल रामलीला मैदान में युवा आभार रैली आयोजित की जा रही है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने कहा कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए नकल विरोधी कानून से माफियाओं को खत्म करने का काम किया गया है, इसलिए भाजपा युवा मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आभार रैली का आयोजन कर रही है। प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रयास किया है ये देश में एक मिसाल बनने जा रहा है। जिस प्रकार की प्रतियोगिताएं परीक्षाओं पर छात्रों के साथ जिस प्रकार का छलावा होता था और एक सिंडिकेट प्रदेश के अंदर बन गया था और वो प्रतियोगिताओं पर वो भले ही प्रतियोगिता कराने वाली संस्था हो, वो चाहे नकलची कराने वाले दलाल हो या किसी भी प्रकार का कोई अधीनस्थ कर्मचारी हो, उनके कारण हमारे छात्र छात्राओं का और विशेषकर हमारे अभिभावकों का जो सपना होता था कि हमारा छात्र प्रतियोगिताओं में आगे आकर देश का भविष्य बनेगा, उनके साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ कर रहा था, इसको बंद करने का काम अगर किसी ने किया है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। का कल आयोजन है रामलीला मैदान में है, इसमें 10,000 से अधिक संख्या की युवा आने की हमें पूरी पूरी उम्मीद है। इसमें हम संगठन की दृष्टि से देखें तो इसमें काशीपुर, उधम सिंह नगर और नैनीताल के युवा इसमें उपस्थित रहेंगे। इसमें युवा मोर्चा के पदाधिकारी और जितने भी परीक्षार्थी हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं इसमें उपस्थित रहेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि कड़ा कानून एक माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य में लेकर आए हैं, ये नकल विरोधी कानून, तो इसी का आभार प्रकट करने के लिए कि युवाओं में एक सकारात्मक
ऊर्जा आई है, एक सकारात्मक संदेश आया है, तो उसी का आभार प्रकट करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें सभी युवा साथी हमारे उपस्थित रहेंगे। कितनी संख्या में युवा मोर्चा के बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष मेरे छोटे भाई शशांक जी रावत। वहीं यूथ कांग्रेस ने नकल विरोधी कानून बनने के बाद बीजेपी तरफ से कानून को लेकर कल हल्द्वानी में होने जा रही युवाओं की आभार रैली का विरोध करने का ऐलान किया गया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराने के बजाय खुद की आभार रैली करवा रहे हैं, जिसका यूथ कांग्रेस काले झंडे दिखाकर विरोध करेगी। सुमित्र भुल्लर ने कहा कि भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा सरकार के इस फैसले का कोई आभार नहीं जता रहे हैं और युवाओं का कहना है कि जब तक इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच नहीं होती तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इसके अलावा यूथ कांग्रेस जहां जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होंगे वहां वहां विरोध करेगी। लगातार राज्य सरकार हवा हवाई निर्णय ले रही है, जिनका यूथ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। प्रदेश के अंदर नकल माफिया और नकल कराने वाले लोग ही नकल विरोधी कानून बनाकर प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न? युवाओं का जो असली मुद्दा है रोजगार, रोजगार तो मिला ही नहीं। जब रोजगार उपलब्ध करा दें तब जश्न मनाइए, खूब रैली निकालिए, खूब आयोजन करिए। देखिए, पहले तो हम लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जो भर्ती घोटाला हुआ है उनकी सीबीआई जांच कराई जाए और सरकार है तब तक खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही चौकी के महुआ डाबरा से, जहां बीजेपी नेता मनोज पाल की मां के साथ एक युवक ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महिला बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी तभी छीना झपटी में महिला बाइक से गिर गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए जसपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं लोगों ने लूट के आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बीजेपी नेता मनोज पाल ने बताया कि उनकी माता बैंक से पैसे निकालने गई थी, रास्ते में आते हुए एक युवक ने उनसे बैग छीना और नाक और गले में पहनी ज्वेलरी भी निकाली। वहीं बीजेपी नेता मनोज पाल ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। मामला जसपुर में आया था कि एक ये महिला है तो ये बैंक से अपना काम करके निकल रही थी तो एक मोटरसाइकिल इनके पीछे जो इनका पीछा करने लगी और एक सुनसान जगह पर देखकर इन्हें पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी हुई थी उसी में छीना झपटी करते हुए इनसे रुपयों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया और इसी दौरान महिला के डिसबैलेंस होने से गिर के चोट लग गई। उनका उपचार कराया गया है और आगे पुलिस ने इसमें नाकाबंदी करके जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया है। कल कोई टाइप का स्प्रे जैसा वो बता रही हैं कि वो उनकी आंखों के ऊपर मार दिया जाता है जिससे वो बिल्कुल अंधेरा छाया जाता है वो, और उनका जो गले में डला हुआ पर्स था वो खींच देते हैं ये लोग और उनके साथ जो जो ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी थी उसमें नाक का फूल है और एक आध चीजें हैं वो सब खींचते हैं तो ये मुंह केवल रोड में गिर जाती हैं। बहुत ब्रेन के अंदर ब्लड बहा है और पूरा फेस में चोटें हैं, चेस्ट में चोट है और
बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।